लास्ट ईयर का पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज कर दिया गया था। उस माइंड मैनेजमेंट पोर्शन से भी 40, 45, 50 क्वेश्चन लगभग पूछ दिए गए एक पर्टिकुलर पेपर के अंदर में। ये जो भ्रम था वो भ्रम अच्छे से तोड़ दिया गया डीजेएमएस के द्वारा। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम हर साल दिसंबर के महीने में कंडक्ट किया जाता है। इसके तहत डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट ब्लास्टर, माइन फोरमैन, माइन ओवरमैन, माइनिंग सरदार, गैस टेस्टिंग, इस तरह के कई सारे एग्जाम है जो हर साल दिसंबर के महीने में डीजीएमएस द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है यदि आप फील्ड के अंदर में काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रख रहे हैं। पहले यह एग्जाम रिटन हुआ करता था और उस रिटन के साथ में कुछ वेटेज ओरल का भी हुआ करता था। पहले की बात करें और आज की बात करें तो बेसिक सा डिफरेंस ये हो गया है कि पहले का जो रिटन और ओरल हुआ करता था उसको रिप्लेस कर दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जिसमें ज्यादातर एग्जाम के अंदर में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन में से 50% यानी 75 मार्क्स आपको लाना रहता है इस एग्जाम को पास करने। और जब मैं 75 मार्क्स बोलता हूं तो एक बंदा जिसने 75 मार्क्स लाया और एक कोई दूसरा जिन्होंने 150 में 120, 130 या हो सकता है 150 में 150 लाया, दोनों को मिलना सेम ही सर्टिफिकेट है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनका मार्क्स ज्यादा आया उसके सर्टिफिकेट का ज्यादा वैल्यू, दोनों को सेम सर्टिफिकेट मिलना है। मतलब इस एग्जाम के अंदर में या आपको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मिनिमम मार्क्स जो लाने की जरूरत है वो है 50%। अगर मैं इस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम जिसके अंदर में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की एग्जाम प्रमुख है, जो सबसे ज्यादा टफ होता है, जो पूछा जाता है, जो लगभग गेट के लेवल का होता है, अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं, लास्ट ईयर के पेपर की बात करूं जो 2023 का पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर में कई सारे क्वेश्चंस गलत आए थे, कई सारे में ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा था, क्वेश्चन में डेटा मिसिंग था, इस तरह से कई सारे दिक्कत थी जो लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर का पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज कर दिया गया था। इससे पहले तक क्या होता था, 22 तक जो होता था उसमें ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट होते थे। कि अगर आप एक दो साल के क्वेश्चन पेपर देख ले तो 100% क्वेश्चन आपसे बन जाना है, 50% मार्क्स लाना तो बहुत ही आसान काम हुआ करता था। पढ़ने के नाम पर आपको क्या करना रहता था, एक दो साल का पेपर देख के चले जाओ सर, उससे आपका काम चल जाएगा। ये सिनेरियो था जब आप डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम 2022 तक दे रहे थे। लेकिन जब आप 23 में बैठे, जिन किन्हीं ने भी जो 2023 का एग्जाम दिया था उनके आंख कान खुल गए, देखा पेपर, इसमें तो पीवाईक्यूज के नाम पे 2, 4, 5 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन नए थे, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे थे। पहले होता था कि जो फर्स्ट क्लास का आप एग्जाम देने बैठते थे, फर्स्ट क्लास के अंदर में जो आपका लेजिस्लेशन का पेपर था, उस लेजिस्लेशन पेपर के अंदर में 80-85% क्वेश्चन माइंड लेजिस्लेशन के आते थे। लेकिन इस बार देखा गया कि माइंड मैनेजमेंट जो सेकंड हाफ पोर्शन है आपके सिलेबस का, उस माइंड मैनेजमेंट पोर्शन से भी 40-45-50 क्वेश्चन लगभग पूछ दिए गए एक पर्टिकुलर पेपर के अंदर में। ये एक नया चेंज था जो इस बार देखने मिला। तो ऐसे में जो कैंडिडेट्स इस भरोसे में बैठे हुए थे कि पेपर तो आसान आता है, 2-3-4 साल के क्वेश्चन पेपर को देख के चल देंगे, क्वेश्चन को रट के चल देंगे, हमारा एग्जाम निकल जाएगा, भाई पेपर के अंदर में तो सिर्फ माइंड लेजिस्लेशन आता है, माइंड लेजिस्लेशन को पढ़ के चल दोगे ना, तो जो 150 क्वेश्चन है 150 में से 100-120 क्वेश्चन तो माइंड लेजिस्लेशन के आएंगे, तो उस अकेले पोर्शन को पढ़ने से आपका पासिंग मार्क्स तो निकल ही जाना है। ये जो भ्रम था वो भ्रम अच्छे से तोड़ दिया गया डीजीएमएस के द्वारा जो 2023 का एग्जाम था उसमें। उन्होंने बोला कि भाई एग्जाम ले रहे हैं, कोई मजाक नहीं है, हमको हल्के में ना लो, इज्जत करो एग्जाम की, पढ़ना तो पड़ेगा। और फिर इस बार का जो पेपर था वो हिला के रख दिया। पहले का जो पेपर होता था भाई 100 लोग एग्जाम दिलाते थे, 100 में से 80-90 लोग पास कर जाते थे थोड़ा बहुत पढ़ के भी। लेकिन इस बार हुआ उल्टा, 100 लोग पेपर दिलाए उसमें से 5-7-8 लोग ही पास हुए, बाकी 90-95% लोग फेल हो गए। तो सीरियस हो जाइए, अगर कोई डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम को हल्के में ले रहे थे तो भाई संभल जाइए, अब ने एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, अब इस एग्जाम के अंदर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, अब इस एग्जाम के अंदर में आपके नॉलेज को चेक किया जाने लगा है, ना कि आपके रटने के कैपेबिलिटी को कि कितना क्वेश्चन आपने रट के आया है।
तो ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप फंडामेंटल्स बुक के साथ जाइए, उन बुक्स का अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी पेपर का आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, फोरमैन, माइन मैट, ब्लास्टर, गैस टेस्टिंग, जिस भी पेपर का आप तैयारी कर रहे होंगे, यदि आप माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, माइनिंग ज्ञान के टॉप क्लास फैकल्टीज के साथ जुड़ करके अपने तैयारी को नया डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो माइनिंग ज्ञान के लाइव ऑनलाइन कोर्स के अंदर में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर में सारे पेपर्स, जो भी डीजीएमएस के पेपर्स है, अगर आप फर्स्ट क्लास के लिए तैयारी करें, उसके जो पांच पेपर्स है, माइंड मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, माइंड वेंटिलेशन, माइनिंग मशीनरी, सर्वे, विनिंग एंड वर्किंग, जो भी पेपर है जो आपके एग्जाम के अंदर में पूछे जाएंगे या जिस भी पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हर एक का कोर्स आपको हमारे ऐप के अंदर में मिल जाएगा। चाहे तो आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, या आप किसी एक पेपर या दो पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर दो पेपर का अलग से कोर्स ले सकते हैं। मिलने वाला है आपको इस कोर्स के अंदर में, इस कोर्स के अंदर में आपके सिलेबस के हर एक पॉइंट को कवर करता हुआ, इन डेप्थ नॉलेज देता हुआ, लाइव वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, हर वो चीज जो आपको एग्जाम रेडी बनाता है, एग्जाम की तैयारी में आपका योगदान देता है, आपको इस कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर में आपको इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर, जिन्होंने इस एग्जाम के अंदर में एक बड़ा बेंचमार्क एस्टेब्लिश करा है, ऐसे फैकल्टी मेंबर्स आपके क्लास को कंडक्ट करने वाले हैं, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं हमारे ऐप में कोर्स को ज्वाइन करके। 16 मार्च से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनिंग ज्ञान 2.0, जिसके अंदर में आपके डीजीएमएस के सारे कोर्स मिल जाएंगे, जिस भी डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऐप के अंदर में चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि यदि आप डीजीएमएस फोरमैन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो फोरमैन एग्जाम के लिए जो कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, तो जो भी चीजें आपके एग्जाम के लिए चाहिए आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। इसके अलावा जो कुछ भी चीजें आपको इसमें लगता है कि नहीं सर, ये वाला फलाना टॉपिक है जो इतने अच्छे से मुझे समझ में नहीं आ रहा, दोबारा करवे, दोबारा करवा दिया जाएगा। मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेगा, स्टडी मटेरियल आपको इसके अंदर मिलेगा। यदि कोई फर्स्ट क्लास की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट क्लास के अंदर में अगर कोई चाह रहा है कि नहीं सर मुझे सिर्फ विनिंग एंड वर्किंग का पेपर दिलाना है इस साल, तो चाहे तो वो सिर्फ विनिंग एंड वर्किंग के लिए ज्वाइन कर सकता है। कोई है जो चाह रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ सर्वेइंग का चाहिए, तो सर्वेइंग के लिए अलग से ज्वाइन कर सकता है। कोई है जो एक साथ तीन चार पांच पेपर दिलाने वाले हैं, अपने आप पे भरोसा नहीं सर एक ही बार में पांच पेपर निकालूंगा, एक ही बार में चार पेपर निकालूंगा, ऐसा कुछ सीन है, तो वो कंप्लीट कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेटल वालों के अलग से हमारा कोर्स है, कोल वालों के अलग से कोर्स है, रिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड, सबके लिए अलग अलग कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, पब्लिश कर रखा है हमारे ऐप के अंदर में। तो ये जो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, उसके अंदर में पांचों सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो एफएमसी मेटल अनरिस्ट्रिक्टेड, और जब आप इसके अंदर में जाएंगे तो आपको विनिंग एंड वर्किंग, माइन वेंटिलेशन, सर्वेइंग, माइनिंग मशीनरी और माइन मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी, इस तरह के सारे कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपको हमारे ऐप के अंदर में मिल जाएगा। इन सारी चीजों के साथ में आपको क्या मिलता है, एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलता है, जहां पे आपको यदि किसी भी चीजों में डाउट आता है, कोई चीज समझ में नहीं आता, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उस डाउट को रिजोल्व कर सकते हैं। और भी आपको इस कोर्स के बारे में जानना है, फैकल्टी मेंबर्स के बारे में जानना है, हमारे ऐप के बारे में जानना है, माइनिंग ज्ञान के बारे में जानना है, लास्ट ईयर के रिजल्ट के बारे में जानना है, हमारे अचीवमेंट के बारे में जानना है, जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी मन में डाउट है, आप नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं और अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।